so the topic that we have selected is sense of humor. basically, i think sense of humor is a kind of an intelligence that every person has inbuilt. and as we uh, grow or maybe become, uh, reach higher places in life, become a little serious, so that sense of humor kind of fades. so these are my initial thoughts and that is the understanding of topic. so i am coming from different direction. i think with age, i am getting my sense of humor better. How do you know? आई फील इट आपके आसपास में जो लोग हैं वो भी हंसते हैं या आप खुद ही अपने जोक्स पे हंसते हैं मैं रहते भी खुद हंस लेती हूं <laughs> सेंस ऑफ ह्यूमर दो तरह का होता है एक होता है जो खुद ही जोक क्रैक करते हैं और खुद अकेले हंस रहे होते हैं बाकी सब उनकी शक्ल देख रहे होते हैं कि भाई क्या हुआ है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें है ना और दूसरा होता है कि जो और लोग भी हंसते हैं आपके साथ में तो आप किस कैटेगरी में आते हो बोथ बोथ बोत कैटेगरीज ठीक है सर जब भी बात होती है लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर की तो हम हम क्या करते हैं ना कि लाइक करियर में चले गए हैं कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले जब कॉलेज में थे लाइक ग्रेजुएशन कर रहे थे तो बड़े जॉयफुल थे हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉइंट आ ही जाता था कि यार क्या बात है ना अब वो धीरे 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 करके हम हमको लगता है कि यार मैं इस पोजीशन पे आ गया हूँ ये करने लगा हूँ यार मैं बोलूँगा तो मेरी पोजीशन के लिए क्योंकि मेरे डाउन दी लाइन दस लोग हैं सौ लोग हैं तो मेरा बोलना सही है लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर से क्या होता है ना कि कोई भी काम करने में एक अलग लेवल की एनर्जी मिलती है पूरी जो अपनी लाइफ होती है पूरा जो भी काम होता है जो भी अपन करते हैं ओवरऑल दी लाइफ वो एक अलग ही लेवल पे होता है तो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दो मेरे को सेंस ऑफ ह्यूमर का लाइक सर अभी जैसे आ, जैसे मैंने इनसे बात की कि आप लोग कब से मेल लिख रहे हो सर को तो सी सैड कि मैंने पहला मेल लिखा और इवन टॉपिक भी नहीं लिखा इनसे बात की मैंने एक लिखा और मैं सेलेक्ट हो गया और मैं मेरी बात करूं मैं छह सात साल से मेल लिख रहा हूं हर हफ्ते मेल लिख रहा हूं लेकिन मेरा तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है हर हफ्ते लिख रहे हो हर हफ्ते मतलब महीने में दो तीन तो शोर थे नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ सेंस ऑफ ह्यूमर कहा है <laughs> <laughs> सर अभी <laughs> सेंस ऑफ ह्यूमर से क्या होता है लाइफ में और उसकी जरूरत क्या है हमको डे टू डे लाइफ में शायद चीजें ईजी हो जाती हैं इजी क्यों करनी है चीजों को लाइफ क्या बहुत डिफिकल्ट है हैं

वर्क रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि जहां भी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर आप किसी सर्कस में काम कर रहे हो जानवरों के साथ कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहां पर चीजें सिंपल है वहां पर आप उनको कंट्रोल कर सकते हो लेकिन जहां पर लोग आ जाते हैं वहां पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो कॉम्प्लिकेशन किस किस लेवल पर है एक हमने बात करी रिलेशनशिप्स के लेवल पर और वो थी है और रहेगी हर एक की लाइफ में काम के लेवल पर थी है और रहेगी हेल्थ के लेवल पर थी है और रहेगी सही और गलत के लेवल पर हमारा माइंड चौबीस घंटे इसी में उलझा रहता है ना हम जज करते रहते हैं वैसे तो आप दोनों लॉयर्स हो लेकिन जज करते रहते हो चौबीस घंटे अपने माइंड में कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं वो सही है या वो गलत है इस जजमेंट की वजह से हम फंस जाते हैं जो कर लिया उससे रिलेटेड रिग्रेट आ जाता है गिल्ट आ जाता है फ्यूचर से रिलेटेड बहुत तरह की एंजाइटीज जा आ जाती है हमारे अंदर इमेजिनेशन अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है तो लाइफ में ऐसा क्या है जहां पर कॉम्प्लिकेशन नहीं है ये मैं सही बोल रहा हूं या आप लोगों का एक्सपीरियंस कुछ और कहता है क्या आप लोगों की लाइफ बहुत बढ़िया है बहुत मस्त चल रही है सब कुछ बहुत बढ़िया है लाइफ में और अगर एक परसेंट ऐसा है तो मेरी इस बात को गांठ बांध लेना ये टेम्प्री है ये हमेशा रहने वाला नहीं है ये एक फेज है निकल जाएगा और लाइफ में ऐसे ऐसे भी फेजेस आएंगे जो आपने अभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे मतलब लाइफ में जब हमको लगता है ना वी आर इन कंट्रोल तो लाइफ आकर के खींच के थप्पड़ मारती है और कहती है कि देखो तुम्हारी असली औकात क्या है कुछ भी नहीं है लाइफ के सामने अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ किसी और की नहीं हमारी खुद की अंदर भी बाहर भी अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्स हैं और वहां से बाहर निकलने का जो सबसे आसान और सबसे नेचुरल तरीका है दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने आज चूज किया है जब हम हंसते हैं तो हम एक्सपैंड करते हैं स्ट्रेस में हम कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन किसी को अच्छा नहीं लगता है कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल ऐसा होता है किसी केज में आपको बंद कर दिया है ये लाइफ ऐसी ही है आपको चारों तरफ से जकड़ देगी इससे निकलने का जो शॉर्टकट है और फटाफट जो इंस्टेंट तरीका है दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर तो लेट्स क्वेश्चन व्हाट इज सेंस ऑफ ह्यूमर इस पे ब्रेन स्टॉमिंग करते हैं और मिल करके डिस्कशन करते हैं मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो हाँ वो पत्थर की लकीर है वो सब सही है ना आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो आज अच्छी चीज़ ये हो गई दो दो लॉयर बैठे हैं यहाँ पर तो यू कैन गिव योर ओन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कि नहीं जज साहिबा मेरे हिसाब से नहीं साहिबा थोड़ी मैं मैं क्या हूँ जज साहब योर ऑनर आप जो कह रहे हैं वो गलत है लेकिन मैं वैसे योर ऑनर नहीं हूँ तो हम चारों एक तरीके से लॉयर्स हैं और ये डिस्कशन करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं वॉट इज सेंस ऑफ ह्यूमर सर आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ बेसिकली लाइक टू टेक एन आइडिया फ्रॉम जितने भी सारे ये जो लाफ्टर शोज़ करते हैं लोग या जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं उनका वे होता है लोगों को हंसाने का उस चीज़ पे पॉइंट आउट करना जो हम हमेशा एक डे टू डे लाइफ में हम लोग एक दिखाने की कोशिश करते हैं एक इमेज सी फॉर्म कर लेते हैं कोई अगर कोई एक बहुत बड़ा स्टार है तो एक सर्टन एक तरीके से ही बिहेव करेगा बट सेंस ऑफ ह्यूमर होता है जब हम उस कैरेक्टर uh, को एक बहुत ही सिंपल जो लाइफ की चीज़ें होती हैं उसके साथ जोड़ देते हैं तो वहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है कि सर आप वैसे तो आप तो इतने बड़े स्टार हो आप ये तो नहीं करते होगे मतलब आप जैसे कि एक मिडिल क्लास पर्सन की जो चीज़ें होती हैं वो तो नहीं करते हो जब हम उस चीज़ को उससे जोड़ देते हैं तो आई थिंक वहाँ पर कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है जब हम अपनी इमेज को तोड़ते हैं तो सेंस ऑफ ह्यूमर दो तरीके का हो गया एक है हम किसी दूसरे की इमेज को तोड़ रहे हैं और उससे हम हंसाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी का मजाक उड़ा रहे हैं उससे हम लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में हम इसी तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर देखते हैं टेलीविजन पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बट आप सब ने देखा ही होगा कि कोई भी है किसी की हाइट कम है तो उसका मजाक उड़ा दिया या किसी के माँ बाप का मजाक उड़ा दिया किसी का ये कर दिया वो कर दिया इसको हम सेंस ऑफ ह्यूमर समझते हैं ये ठीक है एक लेवल तक है और ये क्या है कि हम सबसे रिलेटेबल है क्योंकि बचपन में स्कूल में हम सब यही करते थे तो ये बहुत ही बचकाना सेंस ऑफ ह्यूमर है दिस इज नॉट एक्चुअल सेंस सेंस ऑफ ऑफ ह्यूमर ह्यूमर की जो एक्चुअल एप्लीकेशन आ जाती है वो आती है जब आप खुद का मजाक उड़ा सकते हो खुद पर हंस सकते हो क्योंकि किसी और पर अगर आप हंसते हो तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा वो सामने वाला बुरा मान जाएगा फिर एक नया प्रेशर माइंड पे क्रिएट हो गया कुछ सेकेंड्स के लिए तो आप हंस लिए बट आपने अपना एक दुश्मन पैदा कर लिया तो मैं क्या कह रहा हूं जहां पर दुश्मनी की कोई गुंजाइश ही नहीं है यानी क्या आप खुद पर हंस रहे हो और अगर आप खुद पे हंसना सीख जाते हो खुद के फ्लॉज पर ये नहीं कि खुद की तारीफ करके फिर हंस रहे हो तो वो कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हुआ ना खुद के फ्लॉज पर जब कोई और बोलता है तो हमें गुस्सा आता है ना अगर सोचो हमें खुद हंसी आने लग जाए अपने फ्लॉज पर तो अगर कोई सामने वाला हमारा मजाक उड़ाएगा तो हम उसके साथ मिल जाएंगे बट ऐसा होता नहीं है होता क्या है कि हम रजिस्ट करते हैं हम लड़ते हैं तो सामने वाले को मजा आता है उसको मजा आना बंद हो जाएगा हमारा मजाक उड़ाने में जब हमने खुद में अपना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया एक्चुअल में बाहर से दिखाने के लिए नहीं इसलिए नहीं कि वो मेरा मजाक ना उड़ा रहा है एक्चुअल में अगर हम खुद पर हंसने लग गए खुद के फेलियर्स पर खुद की बेवकूफियों पर खुद के जो अनलिमिटेड फ्लॉज हैं उस पर खुद को हम कैसा दिखाते हैं और एक्चुअल में हम क्या है उस पर आप बाहर से खुद को क्या दिखाते हैं और एक्चुअल में अंदर से क्या हो कितना फर्क है उसमें बहुत बहुत सर जितना आई थिंक धरती में और आकाश में है उतना फर्क है बिल्कुल अलग मतलब जो आप अंदर से जिस इंसान के बारे में सोचते हो चाहे वो आपके पेरेंट्स हो भाई बहन हो दोस्त हो अगर वो गलती से बोल दो तो पता नहीं क्या हो जाए अपने फादर के बारे में अपनी मदर को उनके पीछे से बोलते हो कभी उनके मुंह पे बोल जाओ तो पता नहीं क्या हो जाएगा राइट तो जब हम इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं लाइफ को तो हर तरफ हमें हंसी आती है तब आप अपने जो मीनिंगलेस परूड्स हैं उसको भी देख करके हंसते हो तब आप ये जो मी सेंट्रिक लाइफ है जिसमें हम इंटेंगल्ड हैं बुरे तरीके से 24 घंटे क्या आप अपने मी रिलेटेड में एंटेंगल्ड नहीं हो अपनी एक दुनिया में छोटी सी एक बबल में इंटेंगल्ड हो वो बबल फटने ही वाला है कभी भी बहुत ही फ्रेजाइल है और हम देख ही नहीं पाते कि यूनिवर्स क्या है ये दुनिया क्या है बस अपने छोटे से बबल में जी रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और क्या है बबल है ये होता नहीं ना बचपन में बबल हम फुलाते थे वो सोप वाले है ना फूक मारते थे बबल निकलते थे ऐसी हमारी लाइफ है बबल्स वो फटते हैं फिर होते रहते हैं, बैठे बैठे अरे बबल का काम ही फटना है तो जब इस तरह से हम एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हंसी आती है अब आप एक्चुअल में सेंस ऑफ ह्यूमर को सही से अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो नहीं तो उसको आप बुलिंग बोल सकते हो उसको आप अब्यूज बोल सकते हो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मैं दूसरों का मजाक उड़ाने की बात कर ही नहीं रहा हूं तो खुद को हम जितना समझते चले जाते हैं ना बारीकी से उतना ही एज के साथ साथ हम मेच्योर होते चले जाते हैं और हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ता चला जाता है जितना हम समझते हैं अपने थॉट्स को उतना ही हमें समझ आता है कि जो भी हमें समझ आया है वो सब बकवास है कोई भी थॉट ऐसा नहीं है कि आप उसको बोल दो कि

कि तूने पहले बैचलर करी मास्टर करी पीएचडी करी और देन कि ये सब मतलब झूठ था तो वो तो मतलब वो उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा तो किसी और को नहीं बोलना हाँ, खुद को। हाँ वो मारेगा बिल्कुल बिल्कुल कि... खुद को बोलो कि क्या उखाड़ लिया आपने कर भी ली मास्टर्स कर ली पीएचडी भी कर ली तो क्या हो गया एक बंदर है उसने ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया रहा तो बंदर ही बिल्कुल हमें सबको ये एक गलत फहमी है सबसे बड़ी गलत फहमी पता है क्या इंसान को कि मैं साइकोलॉजिकली बेटर हो सकता हूं फिजिकली आप बेटर हो सकते हो येस yes, उसमें कोई डाउट नहीं है यानी अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बना सकते हो जब आप और पैसा कमा लेते हो दैट इज ओके बट साइकोलॉजिकली आई बी अ बेटर पर्सन ये झूठ है साइकोलॉजिकली यू कांट बी अ बेटर पर्सन यू कैन ओनली अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ योर थॉट्स एंड देन यू कैन ट्रांसेंड थॉट्स ऑल टूगेदर और फिर आप बैठ करके हंस सकते हो देन यू बिकम लाइक अ लाफिंग बुद्धा आई एम नॉट श्योर आप कितना रिलेट कर पा रहे हो इन सब बातों से या नहीं सर जस्ट वन पॉइंट लाइक यू कि हम साइकोलॉजिकली बेटर नहीं हो सकते तो अगर जब हम अपने आप को अंडरस्टैंडिंग से उसके बियॉन्ड ले जाते हैं और उस बियॉन्ड ले जाने के बाद वी कैन लाफ अपॉन दैट कि ये हमारे माइंड का सारा जो इमेज हमने बनाया हुआ था तो क्या ऐसा भी होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग बार बार क्रिएट करनी पड़ती है नहीं वो अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्यूट होती है बट वो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है उसमें बिल्कुल ऐसा होना पड़ेगा आपको कि अपने आप से बिल्कुल सच बोलना होगा और सच में कॉमेडी है सच कोई नहीं बोलता है अगर सच बोल दें तो बहुत मजा है वहां पर बट सच बोलने के अपने रेप है अगर आप बाहर बोल दो तो तो अपने आप से तो बोल ही सकते हो ना एनी अदर थिंग विच यू कैन सी जिसको हम बोल के फिर रैपअप करें इस पूरे इसमें कि अगर सेंस ऑफ ह्यूमर को आज हमने जो भी डिस्कशन किया है उसको अगर समझा जाए तो क्या समझ आया आपको सब चीजें रियालिटी है और रियालिटी ही सेंस ऑफ ह्यूमर है रियलिटी के बियॉन्ड कुछ नहीं है और रियलिटी को ही हम देख के सेंस ऑफ ह्यूमर टर्म दे रहे हैं और सब कुछ चीजें उसी के ड्रिवन घूम रही हैं और रियलिटी में कॉन्ट्रोडिक्शन बोलते कुछ है करते कुछ है सोचते कुछ है हमें हमारे नीड चाहिए हमें हमारी मतलब पूरा होना चाहिए हमारे घर में कार आनी चाहिए हमारे घर में हमारी 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 मेरी 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 वो तो है ही लेकिन उसके बावजूद भी जो हम अपने लिए चाहते हैं वो कुछ और है और जो हम करते हैं वो कुछ और है मतलब हम अपने लिए हेल्थ है चाहते हैं लेकिन हरकतें हमारी ऐसी हैं जिससे हमारी हेल्थ खराब होने वाली है हो गया ना कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई ना यहां पे कॉमेडी रियलिटी से बड़ा कोई ड्रामा नहीं है अगर आपको रियल ड्रामा देखना है ना तो ये मूवीज में देखना बंद कर दो रियल में देखो क्या ड्रामा चल रहा है हर कोई नौटंकी कर रहा है हर कोई एक्टिंग कर रहा है चारों तरफ एक्टर्स है हर एक का अपना एक मोटिव है उस मोटिव के बीच में उनका मी बैठा हुआ है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता सिंपल सर मेरे को मुझे ये समझ में आया मेरी अंडरस्टैंडिंग रही कि आप अपने अपने आसपास अब सेंस ऑफ ह्यूमर को ऑब्जर्व करके आप बस लाइट हो सकते हो एंड देन जस्ट वर्क डू योर मे बी इट कैन बी सेड अ चॉइस चूज कर लो तो ठीक है सब नहीं तो सी, मतलब सीरियस हो लो या सेंस ऑफ ह्यूमर मर्जी है मतलब जो है वो है हंसना है तो मर्जी है नहीं हंसना तो तो वो भी चल रहा है सब हाँ सही बात है चलता तो है ही हाँ लाइफ चलती रहती है लेकिन अगर हम हंस लें तो बेटर है अब हंसते कब है हम जब में हमें समझ आ जाता है कि इज नथिंग दैट कैन बी डन एब्सोल्यूटली नथिंग दैट कैन बी डन सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं अंदर की दुनिया में भी अंदर भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना बहुत सारी चीजों को आराम से बैठ करके साइलेंटली जब अपने अंदर देखोगे कि किस तरह से अर्जिज उठती है किस तरह से थॉट्स आपस में जुड़ते हैं विद अ साइलेंट माइंड आप देखोगे जब इन सब चीजों को तो वहां पे आपको बहुत कॉमेडी नजर आएगी जैसे हम सब अंदर से क्या चाहते हैं एक स्टेट है जिससे आप सबको बहुत प्यार है बताओगे कौन सी है वो स्टेट हैप्पीनेस तो हमें पता ही नहीं है क्या होती है बताओ हैप्पीनेस क्या होती है नहीं पता नहीं पता <laughs> ये बढ़िया है ये अच्छा है क्योंकि नहीं पता तो लेट मी फिगर आउट है ना हाँ हैप्पीनेस हम सबको अच्छी लगती है सबसे ज्यादा हैप्पी कब होते हो दिन में चौबीस घंटे होते हैं सबसे ज्यादा हैप्पी कब होते हो नींद में सबसे नींद में नींद में ऐसा क्या होता है क्या मिलता है नींद में आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते ना कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कोई थॉट नहीं होते कोई, कोई लोग नहीं होते कोई टेंशन नहीं होती कुछ नहीं होता तो नींद से हमें सबको बहुत प्यार है क्या हमारी जो हरकतें हैं वो हमें जागते वक्त नींद के जैसी स्टेट में लेकर के जा रही है या फिर हमारी मेंटल एक्टिविटी को और बढ़ा रही है और बढ़ा रही है जब इन सब चीजों को आप देखने लग जाते हो ना तो आपको हंसी आती है डीप विद इन आप ये चाहते हो कि मैं एक ऐसी स्टेट में रहूं बताओ कि अच्छा लगेगा आपको या नहीं लगेगा कि अभी आप जागे हुए हो लेकिन जो नींद में मजा आता है वैसा ही मजा अभी आ रहा है नींद में मजा आता ही नहीं आता है जब सुबह उठना पड़ता है छह बजे का लाम लगता है यार दस मिनट और पंद्रह मिनट और बीस मिनट और एक घंटा हो जाता है दो घंटे हो जाते हैं तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि दुनिया में सबको अपनी नींद से बहुत प्यार है नींद से ज्यादा प्यार हमें और किसी चीज से नहीं है तो क्या हो अगर जागते हुए भी आप जैसी नींद वाली स्टेट होती है वैसी स्टेट में हो मतलब आप सोए नहीं हो ना आप जागे हो इस दुनिया की तरफ नींद में यही तो होता है कि हम दुनिया की तरफ सो जाते हैं लेकिन हम फिर पूरी तरह से सो जाते हैं तो मैं क्या कह रहा हूं आप जागे हुए हो लेकिन उस कॉन्शियसनेस में कुछ नहीं है कि मतलब आप पूरी तरह से जागे हुए हो सोए हुए नहीं हो कोई ड्रग्स लेकर के सोने गए हो दारू पीकर के सोने गए हो जागे हुए हो पूरी तरह से लेकिन कोई थॉट नहीं है उसको हैप्पीनेस बोलते हैं बाकी सब प्लेजर है क्योंकि वो आता है जाता है ये स्टेट आती जाती नहीं है ये तो अंडरलाइन स्टेट है बहुत खाली नहीं होगा फिर तब ये नम फीलिंग नहीं है एक है खाली स्टेट जिसको लोनलीनेस बोलते हैं द मूमेंट योर कॉन्शियसनेस इज एमटी ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ कॉन्शियसनेस यू फील लोनली यू फील अवॉइड विद इन आपको घबराहट होगी या तो आपको नींद आ जाएगी उस स्टेट में या फिर आप जल्दी से कुछ सोचने लग जाओगे क्योंकि जो आपका मैं है वो छूटने लग जाएगा आपका मैं या तो थॉट्स पर टिका है फीलिंग्स पर टिका है इमोशंस पर टिका है तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए कॉन्स्टेंटली कोई एक्टिविटी चाहिए जैसी वो एक्टिविटी बंद होती है हमें नींद आ जाती है तो हमें दो ही स्टेट्स पता है तो जब इस सच को आप देख लेते हो कि ये जो एक्टिविटी नॉनस्टॉप चलती है इसकी वजह से अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है स्ट्रेस होता है एंजाइटी होती है फियर होता है डिप्रेशन होता है लेकिन हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो हमको सब इस तरफ लेकर के जा रहे हैं जो आपके प्लेजर्स हैं वो सब आपको इधर ही भगा रहे हैं जो आपके फ्यूचर के प्लान्स हैं गोल्स हैं आइडल्स हैं वो सब आपकी मेंटल एक्टिविटी को और बढ़ाते चले जा रहे हैं और वो हैप्पीनेस नहीं है वो सफरिंग है तो हम चाहते खुशी हैं, लेकिन हम जा रहे हैं दुख की तरफ यहां कॉमेडी है <laughs> इसको इंसान बोलते हैं बंदर जिसके पास में थॉट है उसको बोलते हैं इंसान और उसकी सारी हरकतें ऐसी है जो चाहता कुछ और है करता कुछ और है ये नम फीलिंग नहीं हो जाएगी नहीं एक फीलिंग है जहां पर इस सब में माइनस 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 होकर एंड में एम्प्टीनेस रह जाती है कॉन्शियसनेस एम्टी ऑफ एवरीथिंग वो जो स्टेट है वो बहुत ही डरावनी है वो अच्छी स्टेट नहीं है बट आई एम टॉकिंग अबाउट विच इज फुल ऑफ समथिंग दैट समथिंग इज दी एसेंस ऑफ यू एंड मी दैट समथिंग इज द एसेंस ऑफ दिस एंड दैट दिस और दैट में सब कुछ आ गया इस पूरे यूनिवर्स में दैट समथिंग इज द रियालिटी एक है जो आपको दिखता है अपनी आंखों से कानों से सुनाई देता है एक है बिना आंखों के बिना कानों के उस रियलिटी को आप कॉम्प्रीहेंड कर सको रॉ फॉर्म में और वो ही आप हो वो ही मैं हूं एक्चुअल में पर खुद को समझते कुछ और है। ये कॉमेडी है हो राजा खुद को समझते हो भिखारी जीते हो भिखारी की तरह मरते हो भिखारी की तरह अमीर भिखारी गरीब भिखारी ये कॉमेडी है तो वो स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो इन तीनों से अलग है वेकिंग ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप दैट इज द फोर्थ स्टेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट उस स्टेट में आप पूरी तरह से जागे होते हो खालीपन नहीं होता है आपकी कॉन्शियसनेस में ये जो यूनिवर्स है वो नहीं होता है थॉट नहीं होता है कोई फीलिंग नहीं होती है कोई इमोशन नहीं होती है खुशी नहीं होती है दुख नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसा होता है जिस सबका सोर्स है जिस सबका एसेंस है इस पूरे यूनिवर्स का जिसका ये सब कुछ बना हुआ है तो यूर फुल ऑफ रियलिटी माइनस ऑल काइंड कॉन्शियसनेस खाली नहीं होती है वो भरी होती है पूरी तरह से उसमें कुछ ऐसा होता है जो आपके सेंसेस के बियॉन्ड है लेकिन है जैसे मैं हूं ना अभी आपकी कॉन्शियसनेस में बट आंखों के थ्रू हूं ना तो मैं एक्चुअल में क्या हूं कभी सोचते हो ऐसे सोचा करो ना मैं अकेला कब तक सोचता रहूंगा ऐसे सब कभी देखा तो करो जैसे मैं जब अपने घर में वॉक कर रहा होता हूं और मुझे एक दीवार नजर आती है तो मैं देखता हूं कि अच्छा मेरी आंखें इस दीवार के आर पार नहीं देख सकती बट देर आर डिवाइसेस जिसके थ्रू इस दीवार के आर पार देखा जा सकता है तो सच क्या है उस दीवार का क्या उसके आर पार जाया जा सकता है या नहीं क्या वो मैटर है या वेव है क्या उस वेव को आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे वेव पार्टिकल थ्योरी की बात करी जाती है कि जब एक इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया जाता है तो जो एटम है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट को प्लेस नहीं किया जाता है तो वही एटम को जब फायर किया जाता है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है तो क्या ये यूनिवर्स एक्चुअल में वेव है या पार्टिकल है इंस्ट्रूमेंट के लगते ही पार्टिकल है और बिना इंस्ट्रूमेंट के यानी बिना आंखों के अगर आपको देखना आता है बिना कानों के सुनना आता है तो आप उस वेव को देख लोगे वो वेव जो बहती ही रहती है ना कभी रुकी थी ना रुकी है ना कभी रुकेगी दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एंड दैट वेव इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस दैट इज कॉन्शियसनेस एंड यू आर कॉन्शियसनेस यू आर दैट तो आप एक्चुअल में क्या हो जो भी आप पाने वाले हो या खोने वाले हो फ्यूचर में वो सब आप हो तो क्या पाया क्या खोया ये कॉमेडी है आप ही सब कुछ हो अब ये बात मैं कैसे बोलू आप लोगों को क्योंकि हम तो एंटेंगल्ड है ना अपने इस बबल में मी 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 आपकी बात नहीं हो रही आप ही बकरी हो सब बकरी तो अगर इस सच को आप देख लेते हो तो आपको हंसी आती है अब क्या पाओगे क्या खोओगे टेंशन कहां है यहां पर स्ट्रेस कहां है फियर कहां है जिंदगी कहां है और मौत कहां है दीवार बनती और मिटती है पर जिस सब्सटेंस की वो दीवार बनी है वो थोड़ी ना बनता मिटता है सब्सटेंस तो वही रहता है ना दीवार के बनने से पहले भी था अभी भी है बाद में भी है तो क्या बना क्या मिटा ये कॉमेडी तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही नहीं ये कुछ और ही हो गया है बट आप लोगों तो कॉमेडी है कॉमेडी के साथ साथ हमें कुछ और भी मिल गया मतलब जो दूसरे सोच रहे हैं सेंस ऑफ ह्यूमर वो एक बहुत डिफरेंट परस्पेक्टिव है और जो हम देख रहे हैं अभी सब मिलके वो एक अलग ही लेवल पे अपन जा रहे हैं और जिसकी अपन बात कर रहे हैं शायद वो उसको आइडेंटिफाई करना उस चीज़ को आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक शेर है शेर मतलब वो वाला नहीं <laughs> वो, वो वाला नहीं मतलब ठीक थी शेर की आवाज़ ठीक निकाली थी मैंने हाँ ठीक है तो मैं शेर सुनाऊँ यू तो दरिया में कतरे हैं बहुत यू तो दरिया में कतरे हैं बहुत मगर कतरा वही जिसमें दरिया दिखाई दे मेरा नहीं है ये किसी और ने लिखा है बट मैं उनका नाम भूल गया हूं उनके और भी बड़े सही सही शेर हैं उसको अगर आप सुनोगे और समझोगे मजा आ जाएगा मतलब नेक्स्ट लेवल है ये है सेंस ऑफ ह्यूमर ये है कॉमेडी एक और हो जाए बिल्कुल सर मतलब <laughs> तो पूरा टाइम निकाल के आए हो आप लोग इर्शाद सर आप, आप जो मर्जी करो सर सर आप शेर व शायरी शुरू कर दो आप सर गाने सुना दो आप सर जो मर्जी कर दो बढ़िया है सर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है तो उसमें थोड़ा ऊँच नीच हो सकती है तो माफ़ करना जिसने भी ये लिखा है उनसे मैं माफ़ी मांग लूँ पहले ही और आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आप दोनों लॉयर्स हो अर्ज किया है जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं सुना है पहले कभी है? नहीं, नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं क्या गुनाह है ये भी पता नहीं <laughs> ये कॉमेडी है <laughs> अब जो आपको समझ आया है ना वो कॉमेडी है मुझे बताओ क्या समझ आया <laughs> मतलब आप जो भी सोच लो समझ लो लेकिन जो है सो है अब उसको आप किस तरह से ले रहे हो वो आपका पॉइंट है जो रियलिटी है सो है उसे आप सेंस ऑफ ह्यूमर की तरह लो या फिर दुख की तरह लो नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ अभी जो मैंने शेर सुनाया उसका मतलब क्या है अच्छा सर आप बता रहे हो कि जिंदगी के बारे में जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं क्या गुना है ये तक पता नहीं तो क्या मतलब है इसका मतलब सर यही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता है कि जो काम मैंने किया है उसकी सजा मुझे ही मिल रही है या किसी और के गुना की सजा मुझे मिल रही है ये कॉमेडी है आगे बढ़ते हैं। मतलब है, I'll, I'll, I'll it. क्या मतलब निकाला आपने इसका कि सर लाइफ मिली है या लाइफ में जी रहे हैं बट कुछ पता नहीं है कुछ पता नहीं है क्या है क्यों है और कहाँ जाना है बस है बस यही है फिर सब पे हंस लेते हैं <laughs> 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 जो है ही नहीं कुछ पता ही नहीं कुछ तो ठीक है क्या दिमाग लगाना है छोड़ ना <laughs> जो है <रही होना laughs> सब <ऐसा> बढ़िया है <laughs> शेर है नहीं है ये है वो है सब सही है जी बढ़िया है चलो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड मीटिंग ऑल ऑफ यू